हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए, जो करेगा सो भरेगा हम सब के साथ। बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी दिनों से चर्चा में है और हाल ही में उनके भाई शालिग्राम गर्ग पर SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। केस दर्ज होने का कारण TV9 ने आपको पहले भी बताया और दिखाया है। अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भाई पर केस दर्ज होने के बाद बाबा बागेश्वर का रिएक्शन क्या था और इस मामले को लेकर बाबा बागेश्वर ने क्या कुछ कहा। और हर विषय को हमसे ना जोड़ा जाए, जो करेगा सो भरेगा हम सबके साथ। दरअसल बाबा बागेश्वर के कथित भाई शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें शालिग्राम किसी शादी समारोह में पिस्टल के नोक पर लोगों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो में शालिग्राम गर्ग के मुंह में सिगरेट और हाथ में पिस्टल साफ नजर आ रहा था। आरोप है कि दलित परिवार की शादी समारोह में पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा और वीडियो के संज्ञान में आने के बाद शालिग्राम गर्ग पर SC ST एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ। भाई के गुंडागर्दी वाले वीडियो की वजह से अब बागेश्वर महाराज की किरकिरी हो रही थी, जिसके बाद बागेश्वर धाम के महाराज पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी है और साफ साफ कह दिया कि जो करेगा वो भरेगा। साथ ही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हर चीज को मेरे नाम से नहीं जोड़ा जाए। बता दे, बाबा के रंगबाज भाई ने गढ़ा गाँव में दलित बारातियों के साथ मारपीट की। वीडियो आने के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे थे। 3 दिन से इस पर बवाल मचा हुआ था। शिकायत कर पुलिस शालिग्राम गर्ग पर केस दर्ज किया है। वही वायरल वीडियो में वो पिस्टल लहराते दिख रहे हैं, लेकिन आर्म्स एक्ट का मामला नहीं बना है। अब अंत में बागेश्वर धाम की सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुद सामने आकर पूरे मामले पर सफाई दी है।